हेलो दोस्तों, सबको मेरी राम राम। आज हम बनाएंगे मिर्च करूंजे। सबसे पहले मैंने मिर्च और करूंजे ले लिए, उनको वॉश करके अच्छे से काट लिया। फिर मैंने एक प्याज ली, प्याज के लंबे लंबे स्लाइस कर लिए। फिर मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाला। तेल डाल के मैंने थोड़ा जीरा और 1 चुटकी हींग डाली। हींग डाल के फिर मैंने वो जो प्याज काटा था उसको सुनहरी होने तक भून लिया। भूनने के बाद फिर मैंने इसमें करूंजे डाले। करूंजे डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाली मिर्चें, हरी मिर्च। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करके मैंने इनको 2-4 मिनट तक चलाती रही। चलाने के बाद फिर मैंने इसमें डाला काला नमक। काला नमक के बाद डाली मैंने हल्दी। हल्दी के बाद डाले मैंने थोड़ा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर के बाद थोड़ा सा वाइट नमक। हाँ, काला नमक ज़्यादा और वाइट नमक थोड़ा सा। फिर मैंने उसके बाद इनको अच्छे से चलाया। फिर अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के डाला पिसा हुआ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाली, बिल्कुल ज़रा सी, 1 चुटकी। फिर मैंने इसको ढक दिया। ढक के ये पक गए। 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। अब आप इनको गरम गरम रोटी से, परांठे से, जिससे जी चाहे, अगर आपका सब्जी बनाने को मन ना हो तो इसे खा के देखिए, बहुत स्वाद लगते हैं।